नॉर्मली ब्रेड पकोड़ा हम फ्राई करके बनाते हैं, बट आज मैं आपके साथ जो ब्रेड पकोड़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ उसे मैं फ्राई नहीं करूँगी, फिर भी वो बहुत टेस्टी और क्रिस्पी बनते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम नॉन फ्राइड ब्रेड पकोड़े को कैसे बनाते हैं। आज की रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पर ब्राउन ब्रेड ली है, आप वाइट ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हो। साथ ही में मैंने यहाँ पर 4 उबले हुए आलू लिए हैं। यहाँ पर मैंने आधा कप बेसन लिया है, इसी के साथ मैंने सूखा धनिया लिया है 1 चम्मच, कुछ मैंने हरे धनिया को इस तरह से चॉप करके रखा है, 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, यहाँ पर 1/4 चम्मच मैंने अमचूर पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच मैंने अजवाइन की ली है, साथ ही में यहाँ पर मैंने चाट मसाला लिया है, ये 1/2 चम्मच है, कुछ हरी चटनी ली है मैंने, यहाँ पर मैंने कुछ केचप लिया है, यहाँ पर हम 1 पिंच यूज़ करने वाले हैं बेकिंग सोडा का, और साथ ही में नमक हम अपने ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करेंगे, और ऑयल हमें जैसे यूज़ होगा हम यूज़ करेंगे। रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसन ले लेंगे एक बाउल में, हम इसका बैटर बनाने वाले हैं, बट आज जो हम बैटर बनाएंगे इसे हम बहुत नॉर्मली जो हम बनाते हैं वो गाढ़ा होता है, इसे हम थोड़ा सा पतला बैटर बनाने वाले हैं। तो मैंने इसमें नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार, और इसमें मैं लाल मिर्च पाउडर ना यूज़ करके चिली फ्लेक्स यूज़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मैंने ये आपको बताया नहीं था इंग्रेडिएंट्स में, तो अगर आप ये ऑप्शनल है, अगर आप लाल मिर्च पाउडर डालना चाहते हो तो आप लाल मिर्च पाउडर डालिए, नहीं तो फिर चिली फ्लेक्स डालिए। साथ ही में मैं इसमें डाल रही हूँ अजवाइन, और इसमें मैं डालूंगी 1 पिंच सोडे की, और इसका हम एक घोल बना लेंगे। तो मैं इसमें पानी डालती हूँ और विस्कर से मैं इसका एक पतला सा डो बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने बैटर को मिक्स कर दिया है। फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये देखिए ये इतना रनिंग है, बहुत ज़्यादा पतला है ये, और अब तक इसमें फ्रेंड्स बेसन के जो लम्स हैं बाकी हैं, तो इसे हम इसी तरह से भीगे हुए रहने देते हैं, और तब तक हम अपने स्टफिंग की तैयारी करते हैं, और फिर हम इसे फिर से एक बार फेंट लेंगे। तो स्टफिंग बनाने के लिए हम सबसे पहले हम लेंगे आलू। आलू के छिलके मैंने उतार लिए हैं और इस तरह के ग्रेटर से मैं इसे ग्रेट कर लेती हूँ। तो सारे आलूओं को मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया है, और अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, साथ ही में मैं इसमें डाल दूंगी चाट मसाला, अमचूर पाउडर, धनिया जो हमने चॉप करके रखा है, लाल मिर्च पाउडर इसमें डालेंगे। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 1 चम्मच लिया है रेड चिली पाउडर, पर जबकि मैंने अपने बेसन के बैटर में चिली फ्लेक्स यूज कर ली है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ 1/2 स्पून डालने वाली हूँ रेड चिली पाउडर। इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे नमक अपने स्वाद के अनुसार, और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीजें यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं फ्रेंड्स, और आप सोच रहे होंगे कि हम ब्रेड पकोड़ा बना रहे हैं वो भी बिना फ्राई किए हुए, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको पता चले कि हम नॉन फ्राइड ब्रेड पकोड़ा कैसे बनाएंगे। तो यहाँ हमारे आलू की स्टफिंग बिल्कुल रेडी है, तो अब हम बेसन लेते हैं और उसे भी हम थोड़ा सा फेंट लेते हैं। तो यहाँ हम बेसन को थोड़ा सा अच्छे से फेंट लेते हैं, 1 मिनट के लिए हम इसे फेंट लेंगे। तो 1 मिनट के लिए मैंने इसे फेंट लिया है, और अब हम इसे ब्रेड के अंदर स्टफ करते हैं आलूओं को, और इसे कोट करके हम अपना ब्रेड पकोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 स्लाइस ब्रेड के ले ली हैं, मैं इनके साइड्स कट नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको इसके साइड्स कट करके बनाना है तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो हम सबसे पहले 1 स्लाइस पे हम लगा लेंगे हरी वाली चटनी। तो हरी चटनी को हमने अच्छे से लगा लिया है, अब हम 2 स्लाइस पे लगा देंगे केचप। तो केचप को भी मैं अच्छे से पूरी तरह से फैला देती हूँ स्लाइस के ऊपर। तो यहाँ मैंने 2 स्लाइसेस पे केचप और चटनी लगा ली है, तो अब जो आलू की स्टफिंग हमने बनाई है वो हम इसके ऊपर फैला देते हैं अच्छे से। तो आलू की स्टफिंग को मैंने अच्छे से फैला दिया है। यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर आप चाहो तो इसके ऊपर चीज भी ग्रेट कर सकते हो। और अब क्या करेंगे हम, ये जो स्लाइस हमने केचप लगाया है इसे हम इसके ऊपर उल्टा रख देंगे, और अब हम अपना जो बेसन का हमने घोल बनाया है उसे लेंगे, और हमने इसके ऊपर सिर्फ, बेसन बहुत ज़्यादा पतला है हम इसमें डिप नहीं करेंगे, हम इस तरह से इसके ऊपर बेसन जो है डालेंगे, और सारी तरफ से हमने इसमें डाल के बेसन को कोट कर लेना है। सब तरफ मैं इस पे बेसन लगा लेती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने चारों तरफ हर तरफ इस पे बेसन जो है थोड़ा थोड़ा सा डाल दिया है, और मैंने तवे को गैस पे रख दिया है। तो यहाँ तवा गर्म हो चुका है, हम इसके ऊपर थोड़ा सा 1 चम्मच
ऑयल का डालते हैं और जो हमने डिप किया हुआ है बेसन की ब्रेड उसे हम इसके ऊपर रख देते हैं। एक तरफ से ये अच्छे से हो जाए फ्राई, उसके बाद हम इसे पलट देंगे। तो इसे एक मिनट हो चुका है, हमने फ्लेम भी जो है मीडियम पे ही रखी हुई है, तो इसे मैं अब पलट लेती हूँ। यहाँ देखिए आप कितना अच्छा कलर आया है इसे। अब दूसरी तरफ भी हम इसे इसी तरह से सेक लेते हैं। तो दूसरी तरफ से भी ये हो चुका है, तो अब हम इसे उठा के जो है इस तरह से दो चम्मच की सहायता से इसे हम इस तरह से पका लेंगे। सारे साइड से हमें इसे पकाना है और इसी तरह से मैं इसे चारों तरफ से पका लेती हूँ। नॉन फ्राइड ब्रेड पकौड़ा बनके बिल्कुल रेडी है। इसे अब मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ और बाकी के भी जो है मेरे ब्रेड पकौड़ों को मैं इसी तरह से बना लेती हूँ। यहाँ आप देख सकते हो मैंने जो ब्रेड पकौड़ा है उनकी प्लेटिंग कर दी है और इस तरह से एक कोन में मैंने केचप को भर लिया है, तो मैं इसके ऊपर केचप को डाल देती हूँ इस तरह से, ताकि ये दिखने में भी और अच्छा दिखेगा। तो सारे पे मैं इसी तरह से डाल लेती हूँ। तो यहाँ सारे ब्रेड पकौड़ास पे मैंने केचप लगा दी है और आप देख सकते हो ये कितना सुंदर दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही और नई रेसिपीज के लिए।